मैं सारा दिन खड़ी रहती तब भी नहीं कमा पा। रोइए मत आप, ठीक है, रोइए मत, ऊपर वाला है, ठीक है, उस पर विश्वास। भाई मेरे पास ये नेपाल की करेंसी है और सामने ये दीदी खड़ी हुई जो खाना बेचती है, मैं इनसे खाना मांगूंगा, देखते हैं देंगे कि नहीं। मैंने थाली कितने की आपकी? 70 रुपए की। 70 रुपए की थाली है। मैं ना बाहर से नेपाल से आया तो मेरे पास ये करेंसी है, मेरे को भूख लगी है बहुत तेज, मेरे को भूख लगी है और यही पैसे हैं। कोई बात नहीं, आप ये रख लीजिए और मैं आपको खाना खिलाती हूँ, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती। अच्छा, हाँ तो आप ये चला लेना ना, ये तो बहुत। नहीं मुझे पता नहीं यार, मैं इसके बारे में कहाँ फिरूंगी। आप बेफिक्र रहिए, यहाँ पर प्रसाद समझ के खाइए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे पास आके खाना खाते, मेरा सौभाग्य है कि आप हमारे यहाँ आए। अच्छा तो दीदी क्या क्या खिलाओगे? खिलाओगे हाँ जी, क्या क्या लाइए दीदी? आप पसंद करेंगे हमारे यहाँ का खाना? ये घिया चने की दाल है। घिया चने की दाल है, क्या बात है। वैसे आप दिल्ली से, दिल्ली वालों का दिल तो बहुत बड़ा है। तेरी बाह पकड़ने को बदल। कब से कर रहे हैं मैम आप काम? 6 महीने हो गए। 6 महीने से? हाँ। तो आप ही करते हो, कोई बच्चे नहीं आपके? बच्चे हैं, छोटे हैं बच्चे। अच्छा, और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड आर्मी में थे, डेथ हो चुकी जी, घर में डेथ हुई थी। 70 रुपए की वैसे प्लेट है, वो मैम ने फ्री में दिया हूँ। कितना दिन ओनली इंडिया वालों के पास ही मिलेगा आपको देखने को। मैम मजा आ गया खाना खाकर। थैंक यू भैया, बहुत ही घर जैसे जो मम्मी बनाती है ना वैसे ही खाना था, क्या बात। थैंक यू, आपने नेपाल का याद दिला दी मेरे को। थैंक यू भैया जी। अभी काम है, आपने मेरे को फ्री में खिलाया ना, ये हमारी तरफ से मदद है छोटी सी आपके लिए। बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, मैं तो दिन भर खड़ी रहती तब भी इतना नहीं कमा पाती। कोई बात नहीं है, ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद करो। सच बोल रही, मैं सारा दिन खड़ी रहती तब भी नहीं कमा पाती। लोग आपके पास जरूर आएंगे, आप थोड़ा धैर्य रखिए। कितना समय? 6 महीने। 6 महीने जो लोग ये रख लो हमारी तरफ से, ठीक है। थैंक यू मैम। एक बार ये एड्रेस कहाँ रहता है, एड्रेस बता दोगे? हाँ जी। क्या एड्रेस है? मयूर विहार फेस वन। इससे ज्यादा मैं कुछ जानती नहीं, मेट्रो के पास रेड लाइट। कौन सा मेट्रो स्टेशन है? पॉकेट वन के पास में रेड लाइट। रेड लाइट पे ही ये मैम लगाती है। और DCS का हॉस्पिटल जो है, ये एशियन हॉस्पिटल है। ये है इनकी दुकान, यहाँ पे छोटी सी है, स्वाद हमारे पास है। इन्होंने रिसेंटली दुकान खोली है और सामने मेट्रो है, ये मयूरगढ़ पॉकेट वन रेड लाइट है, ठीक उसी के कोने पर ही नुक्कड़ पे लगाती है। तो आइए और खाइए, इनको सपोर्ट करिए। इनको सपोर्ट करेंगे तो भाई स्ट्रगल कर रही है अभी भी रोड पर स्ट्रगल कर रही है। एक फौजी की बीवी स्ट्रगल कर रही है तो भाई दिल से बुरा लगता है। तो आइए और इनका खाना एक बार ट्राई करिए, घर जैसा खाना, बहुत अच्छा। मैम रोइए मत आप, मैं आपकी मदद के लिए कुछ करता हूँ, ठीक है, रोइए मत आप। तो भाई ये इनका बार कोड है, आपकी जो भी सहायता हो, 10 रुपये 20 रुपये 30 रुपये जो भी आपकी सहायता हो, इनको डालें, इनकी हेल्प करें, इनको आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। मैम रोइए मत आप, ठीक है, रोइए मत, ऊपर वाला है, ठीक है, उस पर विश्वास रखिए, बढ़िया होगा। अभी आपके बच्चे भी हैं, वो आपका साथ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोग आपकी मदद जरूर करेंगे, मैंने आपका बार कोड दिया है, ठीक है। तो भाई जो भी थोड़ी बहुत हेल्प बनती है वो मैम भी करें,